तो वेलकम टू अनदर वीडियो गाइज। आज आपके सामने है R7 जो यामाहा R15 है। तो उस R15M को वर्ल्ड मोटो जीपी 60 एनिवर्सरी को R17 में बदल दिया है। जो बाइक है गोस्ट राइडर 407 यूट्यूबर। तो इसका जो ये रिम है, इस रिम पे भी R7 का सब जो स्टिकिंग है वो भी किया गया है। और ये विंडशील्ड भी चेंज किया हुआ है और ऐसे भी बहुत सारे कुछ चेंजेस किया है। और पीछे से सब कुछ हटा दिया, नंबर प्लेट, टेल, जो गार्ड है, वाटर गार्ड, सब कुछ हटा दिया। और इधर जो ये सिल्वर कलर की जो अलाइनमेंट स्विंग ड्रम है, तो इसकी वजह से ये देखने में और भी क्रेजी हो गया है। और इसका साउंड कैसा है पता है आपको? चलो एक बार इसका साउंड आपको सुना देता हूँ। इसका जो साउंड है, इसके साथ क्या छेड़खानी किया है मुझे नहीं पता, ऐसे तो ये ऐसे सुनाई दे रहा है, पर ये देखो जो इसका आवाज़ है ये बहुत ही ऑसम सा है। और ऐसे ही तो भाया ने आया था तो उससे थोड़ा मांग लिया बाइक चढ़ने के बारे में, तो इसलिए ऐसे ही। और ये देखो सामने से कितना अच्छा ये दिखाई दे रहा है, ये सामने का फ्रंट व्यू है इसका। और ये जो इधर जो DRL है इस पर भी स्टिकनी किया हुआ है, ऐसे मेरे बाइक पे भी करना होगा शायद, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। तो चलो एक बार इसको राइड करते हुए देख लेता हूँ। और ये जो इधर को इधर वर्ल्ड मोटो जीपी 60 एनिवर्सरी यामाहा, तो बहुत ही बढ़िया सा एक बाइक R7 चला लिया हूँ मैं लाइफ में। ओरिजिनल R7 कब चलाऊँगा वो तो नहीं मालूम, पर आज एक R7 चला लिया। और अब जो है इसका जो पावर है, आवाज़ को थोड़ा फील, बिना बहुत ही अच्छा है। ऐसा लग रहा है कि मेरा बाइक में भी ऐसा आवाज़ आना चाहिए, तो इसके लिए ट्राई करना होगा ऐसे आवाज़ के लिए। और इसका ये जो फ्रंट की जो ब्रेक है, ब्रेक क्वालिटी ज़्यादा अच्छा नहीं है, थोड़ा सा लग रहा है। तो इधर भी भैया है, बाइक दे देना होगा, वो एक काम के लिए आया था। गाड़ी तो बहुत ही अच्छा है, बस इसका जो फ्रंट जो ब्रेक सिस्टम है उस पर थोड़ा सा डिस्क ब्रेक से ऐसे आ रहा है। तेल दे सकते हो? हाँ, इसीलिए तो इस पे जो ऑयल है इसकी वजह से थोड़ा स्लिप कर रहा था। बहुत ही अच्छा लगा। तो चलो एक और वीडियो पे।